वालेकुम। आज हम बनाने लगे हैं चिकन शॉर्टलेग फ्राइड राइस। तो उसके लिए हमने लिए है 1 किलो बोनलेस चिकन, जिसके अंदर अब हम डालेंगे अपने सारे इंग्रेडिएंट्स। तो पहले हम डालेंगे, 1 किलो चिकन है तो इसके अंदर हम 2 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे। फिर हम इसमें स्पाइसेस डालेंगे, तो काली मिर्च है। अब हम डालेंगे 1 टेबल स्पून लाल मिर्च, नमक हसबे जायका, 2 टेबलस्पून चिली सॉस और 2 टेबलस्पून के करीब सोया सॉस। अब हम इसको मैरिनेट करके रख देंगे एटलीस्ट मिनिमम हाफ आवर के लिए, ताकि हमारी चिकन अच्छी तरह मैरिनेट हो जाएगी इस मसाले में। अगर तो आपके पास चिकन टिक्का पाउडर है तो आप वो डाल सकते हैं, वो ऑप्शनल है, और अगर तो नहीं है तो वो ज़रूरी नहीं है। मेरे पास जैसे चिकन टिक्का पाउडर है तो मैं थोड़ा सा वो भी डालूंगी ताकि चिकन के अंदर फ्लेवर आ जाए, और ये भी हम 1/2 टेबल स्पून के करीब डालेंगे। अब हम अपनी चिकन को फ्राई करेंगे। हमने ऑयल डाला था, ये हमने तकरीबन 3 शिमला मिर्च लिए हैं, इनको क्यूब शेप में काट लिया है। अब हम इनको फ्राई करेंगे। तकरीबन 3-2 बड़ी प्याजे ली हैं, उनको हमने क्यूब शेप में काट लिया है, यहाँ देख सकते हैं। हम इनको भी शिमला मिर्च के साथ फ्राई करेंगे। इसको हमें तकरीबन 2 से 3 मिनट तक फ्राई करना है। अब हम बनाने लगे हैं शॉर्टलेग की ग्रेवी, जिसके लिए हमने थोड़ा सा ऑयल लिया है डिश में और 1 छोटी प्याज चॉप करके डाली है। वैसे ये ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं। ये हमने इसलिए, वो थोड़ी गाढ़ी गाढ़ी और मज़े की लगती है। इसको हम हल्का सा पिंकिश कलर जब इसका आ जाएगा तो हम इसके अंदर अपना टोमेटो सॉस डाल देंगे। हमने 4 टमाटर लिए थे, उनको बॉयल किया था और उनको पील करके ग्राइंड कर लिया था। अब हम इसको अपने डिश में, इसमें हम 4 टेबलस्पून के करीब सोया सॉस डालेंगे। 4 टेबलस्पून के करीब हम चिली सॉस डालेंगे, और वैसे ही आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी डाल सकते हैं। अगर आप लोग कम स्पाइसेस लेते हैं तो आप लोग इसको कम भी कर सकते हैं, अगर आप ज़्यादा स्पाइसेस लेते हैं तो आप इसको ज़्यादा भी डाल सकते हैं। अदरवाइज़ मैंने जितनी क्वान्टिटी में डाला है ये एक बैलेंस अमाउंट है। अब इसके अंदर हम तकरीबन 1 टेबलस्पून के, सॉरी 1/2 टेबलस्पून के करीब लाल मिर्च डालेंगे। हाफ टेबल स्पून के करीब काली मिर्च डालेंगे हम इसके अंदर। इसको हमें पकने के लिए छोड़ देना है, पहले हम इसमें नमक डाल देंगे। नमक आप हसबे जायका डालें, जो आप लोग टेस्ट के हिसाब से नमक यूज़ करते हैं। अब आप इसको अच्छी तरह मिक्स करके इतनी देर तक के लिए पकने के लिए छोड़ दें, जब इसके ऊपर ऑयल आ जाए, थोड़ा सा ऑयल आने लगे और ये और थिक होने लगे, तब आप इसको फर्दर प्रोसीड करें। हमारा सॉस ऑलमोस्ट तैयार हो गया है। हम इसमें तकरीबन 2 से 3 गिलास पानी डालेंगे। ग्रेवी आपको रखनी है, आप उतना पानी डाल दें इसके अंदर। मैंने 3 गिलास डाला है और बाकी ये आप पे डिपेंड करता है। अगर आपको थोड़ा सा थिक रखना है तो आप 2 गिलास डाल लें, वरना आप 3 गिलास डाल सकते हैं। हमने जो अपनी चिकन फ्राई की थी, अब हम वो इसके अंदर ऐड करेंगे। इसमें हम अपनी जो सब्जियां हमने फ्राई की थी वो ऐड करेंगे। अब यहाँ इस स्टेज पे आप इसको टेस्ट कर लें कि आपको जो जो चीज़ें कम लगती है वो आप रीऐड कर लें। जैसे मुझे इसके अंदर थोड़े से सॉसेस कम लगे तो मैं 1-2 टेबल स्पून और डाल दूँगी इसके अंदर, 2 टेबल स्पून इसके अंदर और, क्योंकि मुझे ये चीज़ें कम लग रही थी। काली मिर्च इसके अंदर, थोड़ा सा केचप ऐड कर लेंगे। जब आप हसबे जायका डालिएगा, अगर आपको थोड़ी सी मीठी शॉर्टलेग पसंद है तो आप थोड़ा ज़्यादा डाल लें, अगर आपको कम मीठी पसंद है तो आप थोड़ा सा डाल लें, अराउंड 3-4 टेबलस्पून के करीब। अगर कम पसंद है तो, और अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो 5-6 टेबलस्पून। ये मैंने 1/2 ग्लास पानी लिया है, उसके अंदर 4-5 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर लिया है।
अब हम जब भी ये चीज हमेशा याद रखिएगा, जब भी आप कॉर्नफ्लोर ऐड करें तो आप अपनी ग्रेवी को चलाते रहें, वरना वो जमना शुरू हो जाता है। अब मैं इसमें कॉर्नफ्लोर ऐड करने लगी हूँ। इसको जब तक पकाएंगे जब तक ये थिक नहीं हो जाता, और अगर आपको लगे कि ये थिक नहीं हो रहा और थिकनेस चाहिए तो आप इसमें थोड़ा सा और कॉर्नफ्लोर पानी में मिक्स करके ऐड कर लें, और उसके बाद एट दी एंड आप एक दफ़ा इसको टेस्ट कर लें। अगर आपको कोई भी स्पाइस या सॉस कम लगता है तो आप वो इसमें डाल दें। और यहाँ पर मैं फ्राइड राइस बना रही हूँ शास्त्री के साथ के लिए, इसलिए मैंने लिया है बाउल के अंदर ऑयल लिया है। ऑयल में मैं ऐड करूँगी 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक पेस्ट, लहसुन अदरक का। लहसुन अदरक को थोड़ा सा मैं फ्राई करके उसके बाद में उसके अंदर वेजिटेबल्स ऐड करूँगी। हम लोग जो फ्राइड राइस है वो इसी तरीके से बनाते हैं, बिल्कुल मतलब देसी स्टाइल के नहीं बनाते, थोड़े से स्पाइसी बनाते हैं ताकि वो सिंपल फ्राइड राइस भी खा सकें और शास्त्री के साथ भी खा सकें। फ्राइड राइस के लिए मैंने लिए गाजर लिए एक, उसका मैंने कद्दूकश कर लिया है, 3 से 4 पत्ते वाली प्याज लिए उसके ये पत्ते हैं, और यहाँ पे मैंने ये अनियन उसकी जो थी वो मैंने काट लिए बारीक बारीक, और ये मैंने 5 से 6 हरी मिर्चें लिए, और यहाँ पर एक शिमला मिर्च लिए उसको बारीक बारीक काट लिए। अब मैं लहसुन अदरक फ्राई हो चुका है उसके अंदर मैं सारी चीज़ें एक साथ ऐड कर दूँगी। इसमें कतौली प्याज में एंड मेट करूँगी, पत्तों वाली प्याज के जो पत्ते हैं ग्रीन लीव्स हैं ये मैं एंड मेट करूँगी चावलों के साथ, क्योंकि बहुत जल्दी गल जाती है। अब मैं इसको थोड़ा सा फ्राई करूँगी ताकि इसका जो कच्चा कच्चा पन है वो ख़त्म हो जाए, और उसके बाद मैं इसके अंदर सॉसेज ऐड करूँगी। वेजिटेबल्स हमारी फ्राई हो चुकी है, अब हम इसके अंदर नमक ऐड करेंगे हर ज़रूरत। और ब्लैक पेपर ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून, सोया सॉस डालेंगे 4 टेबल स्पून, और चिली सॉस डालेंगे 4 टेबल स्पून। अब हम इसको थोड़ा सा फ्राई करेंगे और उसके बाद हम इसके अंदर चावल ऐड कर देंगे। चावल हमारे कच्चे हैं वो उसके अंदर डालकर बॉईल करने। अब हमने मसाले के अंदर चावल ऐड कर दिए हैं, चावल हमने लिए थे 4 कप चावल लिए, और उसके अंदर हमने 8 कप पानी डाला है, और उसके अंदर हम थोड़ा सा बिल्कुल चिकन पाउडर डालेंगे 1/2 टीस्पून ताकि टेस्ट आ जाए। और बाकी अब हम इसके अंदर हमने नमक ऐड कर दिया है, अब हम नमक टेस्ट कर लेंगे। नमक इसके अंदर बिल्कुल सही है। अब हम इसके अंदर थोड़े से सॉसेस और ऐड करेंगे, 2 टू 4 टेबल स्पून हम इसके अंदर चिली सॉस डालेंगे, और इसी तरह 2 टू 4 टेबल स्पून हम इसके अंदर सोया सॉस डालेंगे, और अब हम इसके अंदर थोड़ा सा 2 टेबल स्पून विनेगर ऐड करेंगे। अब हम इसको पकाने के लिए छोड़ देंगे। पत्ता वाली प्याज हमने अभी भी नहीं डाली, वो हम जब डालेंगे जब चावल में थोड़ी सी कसर रह जाएगी दम होने पर, फिर हम पत्ता वाली प्याज डाल देंगे। हमने इसके अंदर पत्ता वाली प्याज ऐड कर दी है और हम इसको दम पे रख देंगे। वेजिटेबल राइस हमारे रेडी हो चुके हैं, और अब हम इसको शाश्लिक के साथ सर्व करके आपको दिखाते हैं। ये आप लोग देख सकते हैं शाश्लिक और राइस रेडी हो गए हैं, ये बहुत यम्मी बने हैं। आप लोग को अगर रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। अपना ख्याल रखिएगा, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।